झरिया में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को ईडी कार्यालय बुलाकर पूछताछ करने के विरोध में 13 जून को कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रत्नेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने झरिया के चिल्ड्रन पार्क में महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष पिंजरा में तोता रखकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना में शामिल कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे कांग्रेसियों में काफी रोष है। इसे लेकर 13 जून को पूरे देश में कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के पास तीन तोते हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। इन तोतों का इस्तेमाल मोदी सरकार उनके पीछे करती है जो उनके खिलाफ बोलता है। इसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अंतिम दम तक देश को जोड़ने का काम किया है और आगे भी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 13 जून को यह कार्यक्रम रांची स्थित ईडी कार्यालय के समक्ष किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कार्यक्रम रद्द कर जिला मुख्यालय में करने की सहमति बनी। शमशेर आलम ने कहा कि भाजपा का ईडी तोता है, जो भाजपा रटाती है वही ईडी रटता है। इस नफरत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से आम जनों को कांग्रेस ये संदेश देती है कि देश की आवाज को आप ईडी को आगे करके दबा नहीं सकते। देश सच के साथ खड़ा है। अराजकता का अभिशाप देने वाली भाजपा अपनी राजनीतिक कुंठा के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने से भी नहीं चूक रही। अपने खिलाफ उठी हर आवाज को दबाना ही उसका मकसद बन गया है। लेकिन हम कांग्रेस के एक एक ना डरेंगे ना हारेंगे। धरना पूरे देश में पद यात्रा के माध्यम से, मार्च के माध्यम से आज पूरे देश में उबाल है। जब जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरता है तो अपने ईडी तोता और सीबीआई तोता को आगे करता है। आज उसी को लेकर के आज हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नाम पर ईडी के द्वारा जो संबंध जारी किया गया है, बहुत ही दुर्भाग्य है। ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया गया है। जब जब हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी किसानों की हक की बात करती है, नौजवानों की हक की बात करती है, रोजगार की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, देश की विकास की बात करती है, तब तब ये नरेंद्र मोदी डर से अपने ईडी और सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। मगर हमारे देश के जो हमारा नेतृत्व करता राहुल गांधी जी है, डरने वाला नहीं है। और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी का सड़क से सदन तक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम कांग्रेसी आज गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर गांधी की मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं। और हम लोग ये भगवान से मना रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने रघुपति राजा राम, पति पतावन सीता राम, सबको सम्मत दे भगवान। तो आज हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जो आप नफरत का देश जो बना रहे हैं, जो भारत तोड़ रहे हो, आज राहुल गांधी जो भारत जोड़ने की बात कर रही है, हम सब भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस तरह देश में भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद कांग्रेस ने किया था, आज हम लोग भारत जोड़ने का शंखनाद इस गांधी मूर्ति के विचारों को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और हर कदम पर, हर सदन से लेकर सड़क तक हम कांग्रेस के सिपाही राहुल गांधी के साथ हैं। जब तक ईडी अपना वापस नहीं लेता, ये जो षड्यंत्र रच करके झूठा संबंध दे करके परेशान कर रहा है, जो आप लाख परेशान कर लो, मगर भारत को जोड़ने के लिए हम कांग्रेस जन राहुल गांधी के कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं।